साहब, शेख साहब, यार शेख साहब कैसा है आप? हाँ गुलवदीन खान, यारा शेख साहब हम तो आपसे चांद के बारे में पूछने आए हैं, क्योंकि कल तो ना पूरे दुनिया में रोजा है इंशाल्लाह ताला, और मैं समझा कि पाकिस्तान का चांद भी नजर आया होगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये समझा कि मैं आपको शेख साहब से जरूर कराऊंगा कि वो मुझे पहले खुशखबरी सुनाएं और मैं फिर पूरे पाकिस्तान को ये खुशखबरी सुनाऊंगा। शेख साहब पहले मैं सुनाऊंगा, अच्छा याद रखना। नमाड़ा, हम तो पिछले 3 दिनों से इस चांद को देख रहे हैं, हमारे आंखों में चाले पड़ गए, लेकिन ये चांद का कोई आता पता ही नहीं दिख रहा। ओ मतलब पूरी दुनिया में मतलब रोजे मनाए जा रहे हैं कल, यह तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा मैं देखता हूँ चांद को के क्या कहता है, अभी नज़र आए या नहीं है, यह टाइम मुझे बहुत ही वो लगता है, करीब लगता है, मैं देखता हूँ। सबर करो तुम थोड़ा सा। हाँ देखो देखो देखो, नजर आ गया चांद, नजर आ गया चांद, नजर आ गया। अब तो हम शेख साहब कल से रोजे रखेंगे, और मैं अभी जाता हूँ सबको बोलता हूँ सबको के कल से रोजा इंशाल्लाह। क्या क्या क्या, नहीं नहीं ये गलत, ये तुम गलत बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। पर क्यों? अबे भाई पाकिस्तान के तारीख में पाकिस्तान ने कभी भी पूरे रोजे नहीं रखे। अगर मैं आज से ऐलान कर दूं कि कल से रोजा है, ये फिर पूरे आएंगे, मैं तारीख हिस्ट्री खराब नहीं कर सकता पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूँ। अच्छा जाओ जाओ, मैं नहीं नहीं कल से रोजा नहीं है बच्चों, आप समझ गए ना, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री ख़राब होगी और हम शेख खान तो हिस्ट्री ख़राब होने नहीं देगा ना। हाँ वेरी स्मार्ट शेख साहब, वेरी स्मार्ट, मैं तो समझा था कि आपसे बड़ा बुद्धू कोई है ही नहीं, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे यही ही मतलब रियलिटी है, क्योंकि पूरे दुनिया में रोज़ा होता है और पाकिस्तान में उसके एक दिन दो दिन बाद ही रोज़ा होता है, कभी हम दो कहते एक कहते हैं। तो ये वीडियो जस्ट सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए थे, कोई बुरे मतलब कोई बुरा मकसद ना लीजिएगा, जस्ट इंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कीजिएगा, तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।